अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। व्यूअर्स, इस तरह से आप मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं। और ये देखें, इस तरह से जब आप प्लास्टिक डालकर उसमें चुनट बनाती हैं तो इससे भी चुनट प्यारी आती हैं। स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग करना चाहें, स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग कर लें इस तरह से। बॉक्स प्लेट बना लें, बॉक्स प्लेट अटैच कर लें। नाइफ प्लेट भी प्यारी लगती है। कॉलर की भी मुख्तलिफ कटिंग हो सकती है। ट्राइंगल शेप में कटिंग कर लें, राउंड में कटिंग कर लें तो इससे कॉलर बहुत प्यारा बन जाता है। व्यूअर्स, डबल बटन लगा लें, बेल्ट लगा लें, बो को भी इस तरह से डबल बो लगा कर उसमें डिज़ाइनिंग कर लें। फ्रिल वाले स्लीव्स देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से बहुत सी फ्रिल लगा लें तो इससे स्लीव्स में खूबसूरती पैदा हो जाती है। व्यूअर्स, इसमें कॉटन फैब्रिक में भी आपको देखने को मिलेंगी और नेट फैब्रिक में भी। व्यूअर्स, कोई भी डिज़ाइन हो अगर आप उसमें खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं तो उसे गुम सिलाई में स्टिच करें ताकि उसमें स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त हो। इस तरह से ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। जैसे कि देख रहे हैं बॉडी पर और फ्रिल में बेल लगाई गई है। इस तरह की मार्केट से आप इजीली बाय कर लें। शादी फंक्शन हो, पार्टी फंक्शन हो, इस तरह की डिज़ाइनिंग आपके बेबीज़ पर बहुत ही अच्छी लगेगी। व्यूअर्स, इस तरह की डिज़ाइनिंग आप अपने बेबीज़ को पहनाया करें। ये देखो येलो कलर में है। इस तरह की बेल दामन में लगा दी गई और जब आप नीचे से पिको करवा लेते हैं इससे भी अच्छी लुक मिलती है। कलर भी बहुत प्यारे हैं। व्यूअर्स, जब आप इस तरह के ड्रेसेस पहनाते हैं तो उसके ऊपर सिल्क की बो या ये लगा देते हैं तो वो प्यारी लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। ढेर सारी दुआओं में, ढेर सारी खुशियों में याद रखना। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, लंबी उम्र दे, हमें भी इस काम में तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।